हेलो खमागणी हुकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय व्लॉग, न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप यू आप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं अपने जो अनस्टिच और स्टिच कपड़े हैं, सूट हैं, उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे पास मैंने अभी करंट में कितने सूट स्टिचिंग करवाए हैं। अभी 6 बज गए हैं, मैं 6 बजे वाली चाय बना रही हूँ। और आप भी पी लीजिए चाय, मॉर्निंग की चाय। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में एंड तक। नहीं हो चल ले चल ले। हेलो, देखिए गाय को चारा डाल दिया है। ये गाय चर लेगी, ये चारा खाने के बाद इसे खेत में छोड़ के आएंगे, ताकि ये पूरा दिन भर, अगर वहाँ पर भी नहीं चरेगी तो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत पेट पूजा तो की रहेगी, तो ज़्यादा भूखी नहीं रहेगी ये। तो मैंने अपना नाम नहीं बताया आपको, मैं राजकंवर आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट में भूल गई थी। तो छोटे मोटे काम कर लेते हैं। और देखो बारिश का सा मौसम हो रहा है, और ये तो मौसम ऐसे ही रहता है, काफ़ी दिन हो गए, बारिश भी आती है डेली। तो देखो कितनी घनघोर घटाएं छाई हुई है, देखिए ऐसा मौसम हो रहा है। ये बादल ऐसा लगता है जैसे कि आज ही बरसने वाले हैं अभी भी। देखिए तो अब हमारे आज के जो दिनचर्या क्या रहेगी, कैसी रहेगी, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मैं। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरे जो सूट है, जो एन स्टिच और स्टिच जो मैंने करंटली अभी अभी सिलवाया है, वो सूट जो आपको मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से सूट अभी सिलाए हैं करंट में, तो दिखाते हैं आपको एक एक। जो अनस्टिच है वो भी बताएंगे। वैसे है तो बहुत सारे, पर मैंने आपको कुछ ही दिखा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बस वही। बाकी तो और बहुत सारे सूट पड़े हैं, अनस्टिच ही पड़े हैं वो भी। एक तो ये है, ये सूट है जो कि मैंने अभी मंगवाया है जयपुर से ऑनलाइन। ये साटन सूट है। एक तो ये अनस्टिच है, एक ये जाम साटन का है जो कि मैंने मंगवाया था जीविका कलेक्शन से, जो अजमेर में है उनकी शॉप। ऑनलाइन ही मंगाया ये भी, क्योंकि आपको पता है मैं तो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, जो भी जहाँ सीख वगैरह में लेके आती हूँ वो भी ऑनलाइन करा देती हूँ। तो ये जाम साटन का है, ये भी मैं स्टिच करवाने वाली हूँ। एक ये गार्डन बरेली का कॉटन सूट है जो कि मैंने मंगवाया था ओम भाई सा से, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छा है। एक ये अंजना राजावत है, पता नहीं क्या है, वहां से मंगवाया था अंजना बुटीक कलेक्शन से। ये भी पता नहीं, ये सबसे बेस्ट कपड़ा है, मतलब जैसे कि हम हाथ में लेते हैं ना फिसलता है ये, स्टिच बहुत मुश्किल से होगा, इस पर प्योर का ओढ़ना चलेगा, मतलब बहुत अच्छा है। अगर हम कॉटन का ओढ़ना 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 चाहे तो भी ओढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये भी अनस्टिच, एक दो सूट जो मेरे स्टिच अंदर रखे हैं। अब बताते हैं आपको जो मैंने स्टिच करवाए वो सूट। एक तो ये सूट है, ये भी जाम कॉटन का ही है, मैंने मुंबई से मंगवाया था, बहुत अच्छा है सूट। मैंने ओढ़नियाँ रख दी है इनकी एक जगह, क्योंकि ओढ़नियाँ मैं सूटों के साथ में नहीं रखती हूँ, जैसे जैसे गोटा लगाती हूँ वैसे वैसे मैं एक साइड में रखती रहती हूँ। तो ये मैं ओढ़नियाँ किसी की भी नहीं बताऊंगी आपको। एक तो ये है जो स्टिच हुआ है, एक जो मैंने अभी पिछले चौथ, जब चौथ का व्रत गया है वहाँ तब सिलवाया था एक वो, और एक ये साटन सूट है, इस पर मतलब ये मैंने आरी मुंजी करवाई है, देखो नेवी ब्लू कलर की, ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छी वाली साटन है, मतलब ऐसी साटन मतलब मैंने नहीं देखी, फिलहाल चल रही है बहुत सारी साटन चल रही है, पर ये बहुत अच्छी साटन है, बहुत ही अच्छी। ये भी मैंने ओम्बाइसा से ही मंगवाई थी, साटन का सूट है। और एक ये कॉटन का सूट है, ये मतलब ये सीबोरी प्रिंट ओढ़ना है इस पे, ये कॉटन का है, सलवट्टे पड़ जाती है जब हम ध्यान नहीं रखे तो। एक ये सूट है जो कि चिकनकारी का है, बहुत अच्छा फैब्रिक है,
बहुत ही अच्छा सूट है, देखिए ये सूट अभी सिलवाया, यानी कि ये तो इसका तो ओढ़ना भी साथ में है, क्योंकि आज मॉर्निंग में देख के गए थे वो जो स्टिच होते हैं ये। और ये इस पर भी आरी मंगजी आई थी, तो बहुत अच्छा, हम प्योर का ओढ़ना भी ओढ़ सकते हैं इस पर, और कॉटन ओढ़ना तो है ही है, ये सिबोरी प्रिंट का, ये भी बहुत अच्छा सूट है। सॉरी गाइस, कुछ सूट छूट गए थे मेरे, अंदर रख के आ गए थे उनको। एक ये सूट है देखिए, अभी तक पहने नहीं है मैंने, आपने मेरे रील्स वगैरह में व्लॉग वगैरह में नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने पहना ही नहीं है इनको। ये सारे सारे अभी आए हैं, अभी मतलब कुछ कुछ 10 दिन से 15 दिन से अंदर आए हैं ये स्टिच होके। एक ये जो अभी चल रहा है ट्रेंड में काफी, कॉटन सूट है, बहुत अच्छा प्यारा फैब्रिक है, कॉटन है ये। मैंने ये तो मैंने ना सरिता कुंदन चौहान से मंगवाया था, उनके चैनल पे देख सकते हैं आप। और ये मैंने ना ये किससे मंगवाया था, अंबिका बुटीक से मंगवाया था मैंने ये सूट, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और ये सूट मंगवाया था मैंने टिंकल वैसा से, देखिए ये करेप है, बट ये सूट गाइस मुझे बहुत थोड़ा कम ही पसंद है, मतलब पहना मैंने किसी को नहीं है, पट्टी थोड़ा कम ही पसंद है मुझे ये सूट। मैंने मंगवाया था तब तो बहुत अच्छा लगा था, बट फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब लगता भी है नहीं भी लगता, कभी पहन भी लेंगे ऐसी बात नहीं है, सिलाई के पैसे तो लग ही गए ना। तो ये मेरे सूट थे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, करके बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा था, मेरे सूट कैसे थे। और जो गाइज एक और बात बताना चाहती हूँ मैं, कि अगर यूट्यूब पर हमें काम करना है तो कुछ क्या है ये, यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं तो हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, और काम करते रहना है, किसी से भी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं करवाना है, कि किसी से सब्सक्राइब ले लिया पैसे देकर, हमें कुछ भी खरीदना नहीं है। जो मेरे जैसे छोटे क्रिएटर है, जो मैं भी एक छोटी सी क्रिएटर हूँ, अभी अभी नई यूट्यूब पे आई हूँ, तो मैं तो ये कहती हूँ कि अपने जो काम करो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो वो कुछ बातें ऐसी भी बता देते हैं, और जो छोटे उनको देख कर, उनके जो बातों को सुनकर, जो हम जैसे जो छोटे क्रिएटर हैं यूट्यूबर, वो उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं और हम अपने चैनल को खराब कर लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने आप में देखना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से सब्सक्राइब बढ़ेंगे, कहाँ से व्यूज आएंगे। व्यूज तो फिलहाल मेरे भी नहीं आ रहे हैं, बट फिलहाल आप लोगों को सपोर्ट रहा तो जरूर आएगा। तो मैं तो यही कहती हूँ गाइज, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे मेरे ब्लॉग अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे मतलब मैं क्या अच्छी मैं तो अच्छी लोकेशन नहीं दे पाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे इतनी इजाज़त नहीं है। फिलहाल मैं अपने जो भी काम होता है आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और करती रहूंगी। हो सकता है आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती, पर फिलहाल मेरा बहुत, मैं अच्छे से अपने मन से काम करना चाहती हूँ, अपने मन से काम कर भी रही हूँ। वैसे ही आप लोग को करना है, किसी की बात नहीं सुनना है कि भाई तुम ऐसे करो तो तुम ऐसे यूट्यूब चैनल इतना जल्दी मोनोटाइज हो जाएगा या फिर व्यूज आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा खराब हो जाएगा। चाहे कोई पैसे लेकर दे करें, चाहे नहीं लेकर करें, अपने आप ही करना है। पैसों से कोई सब्सक्राइब खरीदे नहीं जा सकते, ना व्यूज बढ़ाए जा सकते हैं, सिर्फ अपने लगन मेहनत से ही काम होगा और हम यूट्यूब पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा व्लॉग यही था आज का, कैसा लगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको पसंद भी नहीं आता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं छोटे से वीडियो आज छोटा सा व्लॉग ही शूट करूँ। तो आई होप यू आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर फिर से कह रही हूँ अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खमागणी, जय हिंद जय भारत।